24 न्यूज इन इंडिया के लिए बिजनौर से वेब चैनल इन चीफ विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर अंतर्गत चांदपुर कोतवाली के गांव मीरापुर खादर में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। कोतवाल लव सिरोही ने बताया कि ग्राम मीरापुर खादर में शिवचरण पुत्र मुरारी अपने दो अन्य साथियों प्रीतम पुत्र रूप सिंह निवासी मीरापुर खादर तथा सोनू पुत्र हरिया निवासी थुरैला के साथ मिलकर अवैध शस्त्र बनाने का काम करता था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से दो तमंचे 315 बोर, दो कारतूस तथा तीन तमंचे 12 बोर, तीन कारतूस व अर्धनिर्मित तमंचों की नाल तथा शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक लव सिरोही, सब इंस्पेक्टर चंद्रवीर सिंह, सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। पुलिस ने धारा 5/25 आयुध अधिनियम के तहत शिवचरण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तथा फरार प्रीतम और सोनू को पंजीकृत उनकी तलाश जारी शुरू की। चांदपुर की पुलिस टीम ने गांव मीरापुर खादर में शिवचरण के मकान पर जब दबिश दी मुखबिर की सूचना पर, तो इन्होंने तमंचा बनाने वाली पूरी फैक्ट्री का संचालन करते हुए तीन अभियुक्तों को पाया, जिसमें से दो मौके से फरार हो गए। शिवचरण को पकड़ लिया गया है। इसके दो अन्य साथी प्रीतम और सोनू अभी फरार हैं। पुलिस टीम पकड़ने के लिए लगी हुई है। मौके से कुल 5 तमंचे, 5 कारतूस, 20 नाल और तमंचा शस्त्र फैक्ट्री को बनाने का जितना भी सामान होता है वो सब मिला है। वैधानिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को जेल भेजा जा रहा है और इसके फरार साथियों को तलाशने पुलिस लगी हुई है। कुछ पता चल रहा है कि कितने से काम कर रहे हैं? सब पूछताछ की जा रही है और जो डिटेल्स आएंगे वो बताएंगे। पुलिस टीम को इनाम? पुलिस टीम को 2500 रुपये का इनाम दिया गया है।